हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाईफाई के बारे में कि वाईफाई दो तरह की आती है सेट टॉप बॉक्स में लगाने के लिए। एक होती है यूनिवर्सल वाईफाई और एक वाईफाई होती है जो कि कुछ सेट टॉप बॉक्स में लगती है। अब आप देख रहे होंगे MT760 और RT5370। याद रखिए ये दो तरह की वाईफाई हैं। ये वाली वाईफाई MT760 है जो कि कुछ बॉक्सों में लगती है, ज़्यादातर यूनिवर्सल इसको नहीं मान सकते। कुछ गिने चुने बॉक्स हैं जिनमें ये लगती है, जैसे सॉलिड के बॉक्स हुए और कुछ विदेशी बॉक्स हैं उनमें यूज की जाती है इसको। और ये वाली जो है ये यूनिवर्सल वाईफाई है और ये वाली वाईफाई मैक्सिमम 90% सेट टॉप बॉक्स में यही वाली वाईफाई यूज की जाती है RT5370। याद रखें वाईफाई खरीदने से पहले आप देख लें सेट टॉप बॉक्स कौन सा है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पास सेट टॉप बॉक्स कौन सा है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपको वाईफाई कौन सी लेना चाहिए। और एक बात और मैं बता दूंगा आपके लिए कि ये मॉडल जो रहते हैं ये चिपसेट रहता है, इसके अंदर जो चिप होती है उसके हिसाब से ये मॉडल निर्धारित किए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि चिपसेट RT5370 है और इसमें MT760 है, इसलिए सेट टॉप बॉक्स लेने से पहले भाई उसकी बारे में जानकारी ले लें कि इसमें कौन सी वाईफाई लगेगी, उसी हिसाब से आप वाईफाई खरीदें। और एक वाईफाई और आती है जो कि मिनी आती है, छोटी सी वाईफाई आती है, वो भी 5370 ही रहती है। आप खरीदने से पहले उसको डिटेल देख लें, उसकी चिपसेट देख लें, किसी भी वेबसाइट से आप लें, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझसे ले सकते हैं। और मिनी वाईफाई 5370 आती है एक, और ये मेरे पास एंटीना वाली वाईफाई है जो कि 5370 मॉडल है। मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें। अब मैं इस वाईफाई के बारे में और मैं जानकारी अगर आप चाहते हैं कि मैं दूं आपको, और आपके सेट टॉप बॉक्स में ये वाईफाई वर्क करेगी या नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसी तरह से वीडियो बनाकर आपको जो सेट टॉप बॉक्स में वाईफाई लगेगी मैं वही आपको जवाब दूंगा और आप वही वाईफाई खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें।